पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। माओवादी दस्ते से सक्रिय सदस्य जो 5 पुलिस कर्मियों की शहादत में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तमार थाना क्षेत्र के डांडगांव और रंगामाटी के बीच से दबोचने में सफलता मिली है। तमार पुलिस और SSB की संयुक्त कार्रवाई में अमित मुंडा गिरोह के सदस्य को दबोचा गया है। SSP चंदन कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि तमार क्षेत्र का रहने वाला है उग्रवादी। उग्रवादी के सक्रिय सदस्य और घातक हमले करने में माहिर हैं। 5 पुलिस कर्मियों की शहादत में भी इसकी भूमिका थी। 4 साल पहले इसे NIA से गिरफ्तार किया गया था। बाद में बेल पर छूटकर वापस से दस्ते में शामिल हो गया था। NIA की ओर से उग्रवादी पर 50,000 का इनाम रखा गया था। देखिए, यह उग्रवादी जो है NM हिस्सा पूर्ति है, जो तमाड़ क्षेत्र का रहने वाला है। ये माओवादियों के घातक दल का सदस्य था और एक बार ये पहले भी जेल गया था। आपको पता होगा कि जून 2019 में सरायकेला जिले में कुकड़ू में घटना घटी थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस घटना में महाराजा प्रमाणिक और अनल के साथ दस्ते ने शामिल था। उसी घटना में NIA ने इसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इस पर चार्जशीट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बेल जंप कर गया और फिर से ये निकल के बेल के बाद ये फिर से दस्ते में शामिल हो गया। SSB और तमाड़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर से गिरफ्तार किया है। SSB को सूचना मिली थी कि ये आदमी अभी भी रेकी कर रहा है और हमेशा एक वेपन लेके घूमता है। इसके साथ एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है और इसे जो है NH पर गिरफ्तार किया गया है। तो ये बेल पर निकलने के बाद पुनः फिर माओवादी दस्ते में शामिल हो गया था और इसकी गिरफ्तारी के लिए NIA ने 50,000 का इनाम रखा था। ये कितने दिन पहले बाहर आया है सर? ये 2020 सितंबर में ये बाहर आया, 2020 का 4 साल से लगभग बाहर था। उसमें एक वर्ष जेल में रहा, उसके बाद इसे बेल आउट हुआ था, लेकिन बेल मिलने के बाद ये दोबारा कोर्ट में अपीयर होने के बजाय फिर से दस्ते में शामिल हो गया। हाँ, ये शामिल था अमित मुंडा के दस्ते में। NIA का इनाम है, उसके बाद ये जब ये फिर से फरार हो गया तब NIA ने दोबारा से इनाम घोषित किया। SSP का उपलब्धि है सर या किसी फॉर्मेट का उपलब्धि है? नहीं, ये उपलब्धि SSB और तमाड़ पुलिस की है। तमाड़